हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज वो करने जा रहे हैं हम लोग फिर से। एक लेजेंडरी मूवी आई है ऐसा सब बोल रहे हैं, ओपेनहाइमर। ये सारे बारबी के फैन है, लेकिन इनको मैं ओपेनहाइमर ले जा रहा हूँ। तो क्रिस्टोफर नोलन की फेमस मूवी जो आज लॉन्च हुई है, आज ही फर्स्ट डे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट शो नहीं, रात का शो है। तो अभी निकलते हैं, जाते हैं मैट डेमन को देखने, किलियन मर्फी को देखने। कुछ कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कह रहा भाई कि ओपेनहाइमर का ट्रेलर आ चुका है पहले ही जापान में। नहीं, इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए भाई। क्या बोल रहे तुम लोग? चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं मॉल में देख बताएंगे आपको, रिव्यू देंगे कैसा लगा हम लोगों को। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, जो ट्रिनिटी टेस्ट था, उसमें क्या हुआ, कैसा हुआ, सुनने में तो यही आ रहा है कि अच्छी है। अब तो देख के पता चलेगा कैसी। वो जो अभी मीम चल रहा है ना, 2500 की सबसे महंगी टिकट, वो हम लोग ने तो ली है। बस एक जीरो हटा दो एंड से। चलो सी यू गाइस सून। बताना आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, और कमेंट बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर दो अभी, एंड में आप लोगों को याद नहीं रहता क्या कर दो। शकर पारे, टिकट दिखा ली है, चेक कराना होगा क्या भैया को? क्रेज तो है भाई, नोलन भाई का तगड़ा क्रेज है। ये देखो, और हाउसफुल है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को भी टिकट मिली, हम लोगों ने भी सेंटर के आसपास की टिकट कराई है। चलो देखते हैं, आप जा रहे हैं अंदर, आप लोगों को बताता हूँ कैसी मूवी। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप लोग सस्ती वाली में देखने जा रहे हो तो क्या सीन है, और अगर आईमैक्स में देखने जा रहे हो तो क्या सीन है। तो यूजुअली लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग आईमैक्स में देखने नहीं जाते हो तो कट जाएगा साइड का। लेट्स सी अभी क्या होता है, अभी वेट कर रहे हैं। अभी है, अभी 10-15 मिनट है। 10-15 मिनट में जैसे मैं अंदर जाऊँगा बताऊँगा क्या सीन है। वो तो एंड में पता चलेगा जब आखिरी जो उनका टॉमिक टेस्ट होता है क्या हुआ था उसमें। तो लेट्स सी, हम लोगों की टिकट वैसे वो वाली है, PVR की टिकट है, जो कि आईमैक्स नहीं है, नॉर्मल वाली है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, आपको बताता हूँ। हॉल तो बहुत सुंदर है भाई अंदर से। उसी दिन वाला है। टिकट है वहाँ, अपनी सीट है यहाँ गई। तो अभी हो गया है अपना इंटरवल, इंटरवल से आए हैं। और आदि ऐसे कैसे बताऊँ, मतलब मूवी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी बोरिंग भी है। क्रिस्टोफर की मूवीज ऐसी होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग देखते हो, इंटरस्टेलर वगैरह, इंसेप्शन वगैरह देखी है। तो ये तो हाफ टाइम में बेसिकली इतना ही दिखाया कि पॉलिटिक्स क्या क्या हुई थी। अब हाफ टाइम के बाद सारे टेस्ट, जो ट्रिनिटी टेस्ट था, वो दिखाएंगे ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, अभी देखेंगे हम लोग। तो मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा हाफ टाइम के पहले का भी, बट हाँ थोड़ा बोरिंग। हम हॉल में तो 60% लोग सो रहे थे, इतना मैंने नोटिस किया। बाकी हम लोग देख रहे थे, समझ आ रही थी थोड़ी बहुत, फिजिक्स और मैथ्स भी बहुत डाली है इनने इसमें। अगर इंजीनियर्स को समझ आएगा काफ़ी अच्छे से, बट मुझे लगता नहीं दूसरी फील्ड वाले लोगों को समझ, कुछ टाइम तक समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है। सो लेट्स सी हाफ टाइम के बाद क्या होता है। एक आध शॉट डाल देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन दिखा था, एल्बर्ट आइंस्टीन को देखा, और हाइजेनबर्ग को देखा, बोर, नील्स बोर को देखा। तो ये सारे साइंटिस्ट थे इसमें, जिन लोगों ने हेल्प की थी ओपेनहाइमर की, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वैसे तो। कितने का मिला भाई ये? तेरा घर जाएंगा। देखो भाई, अमीरी भाई की। क्या करते हो तुम? भूख नाम के तुम काम के लिए क्या करते हो? भूख लगेगी तो क्या तुम मतलब माथा खोदोगे भाई? कहीं कुछ एक जगह कुछ खाई नहीं खाने का। कितने का था ये तो बताओ? ये 100 ही 100, 500 का है। और पिज्जा? पिज्जा फिर जान जाओ भाई, अंदाजा लगा ले कितने का भाई। मुझे तो लगता है 400-500 का होगा। ये छोटा वाला खोल के दिखाओ ना, खोल के दिखाओ। तुम्हारी औकात से बाहर। ये देखो बहन, वही पता है, ये वो वाला है इटालियनो। फ्रोजन वाला। अच्छा, बस गर्म करके दे दिया, मत लिया करो गाइस, ऐसा पाप मत करो। बॉयकॉट आइनॉक्स। हाँ, अब तो PVR वालों ने भी सस्ता कर दिया, पता है? PVR वालों ने 99 रुपए कर दिया है पॉपकॉर्न। अरे टिकट यार यहीं की मिल रही थी, कहीं खाली नहीं थी भाई। भीड़ देखो, भीड़ तो आई है भाई, क्रेज तो है भाई। कैसी लगी अभी तक? अभी तक अच्छी थी, लेकिन
टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन लास्ट पे समझ में आएगा क्या हो रहा है, शुरू में तो चलती रहती है। अरे यार मैंने देखा ना आधा आधा हॉल तो सो रहा था, आधे लोगों में सोते हुए देखा। चार अलग टाइम चल रहे हैं, चार अलग टाइम चल रहे हैं। लेकिन भाई बारहवीं बहुत मस्त मूवी आना, सब लोग देखें। बारहवीं देखने आओ गाइस, बारहवीं देखोगे असली मौज उसमें है। अगर मजे लेने हैं तो बारहवीं देखो, और अगर अकल वाली चीज़ देखनी है तो ओपेनहाइमर देखो। चलो मिलते हैं आप लोगों को इंटरव्यू के बाद, फिर मैं बताता हूँ कैसा सीन है, एंड में आपको फाइनल रिव्यू दूंगा, फिर आप लोग बताना क्या आपका वो है। आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि स्क्रीन कितनी कटी है नॉर्मल वाले में और आईमैक्स वाले में, फोटो डालता हूँ उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि नॉर्मल हॉल में जाओगे तो कैसा दिखेगा और आईमैक्स में जाओगे तो कैसा दिखेगा। ओके तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर देख के मूवी, और क्या बताऊँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि मैं उन लोगों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ जो लोग 1,000-1,500 रुपये दे के ये मूवी देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 250 रुपये में देख के आए और हम लोगों को कोई डिफरेंस नहीं लगा जो कि बड़ी स्क्रीन में होगा। वो जो जैसे आप यूट्यूब में देखते हो साइड में थोड़ा सा ब्लैक और ब्लैक आता है, बस उतना है। मूवी का कोई भी सीन नहीं कटा है, मूवी का कोई भी सीन नहीं कटा। बाकी मूवी बहुत अच्छी थी, हाफ टाइम के बाद, हाफ टाइम कह रहा हूँ इंटरवल के बाद तो बहुत मज़ा आया, और वो सीन भी बहुत अच्छा था जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप लोग देखो आपका मैंने तो जाना। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 250 रुपये दे के जाओ, तब भी वही मिलेगा। 3D में मूवी है नहीं, 1,000 रुपये दे के क्या करोगे जाके, मतलब वही तो IMAX फर्जी अपनी मार्केटिंग के लिए किया है, वरना आप लोग जाओ देखो। अगर आपको 1,000 रुपये देना है नॉट एन इशू, बट 1,000 रुपये लायक मूवी नहीं है, कोई मूवी नहीं बनी आज तक 1,000 रुपये लायक, ये भी नहीं होगी। तो चलो इनसे पूछते हैं कैसा लगा। हाँ भाई, भाई हाँ भाई, क्या आपका क्या रिव्यू है भाई? +1 +1 क्या होता है भाई? रॉकेटरी देखिए गाइस, राइट जी कंट्रोल परमाणु कौन आ गया इस टाइम। हाँ भाई, हाँ तुम्हें कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी, मजा आ गया देख के। परमाणु बना था आइंस्टीन, आइंस्टीन गोट गोट था भाई, तो देखो फीडबैक ऐसा ही था, और क्या ही बताएं आपको। बाकी एक्टिंग बहुत अच्छी की है, किलियन मर्फी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैट डेमन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी बहुत अच्छी, वो लोग करते ही है, मैं क्या ही बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वो और एकदम आपको देख के इंसेप्शन इंटरस्टेलर इन सब की याद आ जाएगी, ऐसा सीन है। फर्स्ट हाफ बोरिंग लगेगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में आधे ज्यादा ऑडियंस सो गई थी, बोरिंग लगेगा क्योंकि वो स्टोरी बिल्डअप कर रहा था, बट जब फर्स्ट हाफ वेट कर लोगे और उसके बाद जब देखोगे इंटरवल में मजा आ जाएगा। फिर अच्छा है, अच्छा बनाया है, मैं सजेस्ट करूंगा जाओ देखो, लेकिन 1,000 रुपये मत देखे जाओ, वेस्टेज ऑफ मनी। अगर 1,000 दे रहे हो तो 250 जरूर लेके देखो, लेकिन 1,000 मत दो भाई। आई थिंक दे कैन आल्सो कंसीडर बारबी आल्सो। हाँ हाँ, वरना बारबी देखने चले जाओ, बारबी अभी पता नहीं है, कमेंट में बताओ अगर चाहोगे तो मैं बारबी देख के आऊंगा, फिर बताऊंगा वो कैसी है। चलो गाइस थैंक यू सो मच, ऐसी व्लॉग्स देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, बाकी वीडियो डालता रहूंगा कुछ ना कुछ नया, हर व्लॉग में कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, डेली लाइफ भी दिखाऊंगा आगे जाके जब टाइम मिल पाएगा। बाकी बताओ कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।